राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय संसदीय कार्य कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटक सरकार के सहकारिता एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री सोमशेखर जी, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री श्री सुनील कुमार जी, कन्नड़ सरकार के कर्नाटक सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, भाइयों और बहनों, देवी चामुंडेश्वरी के नन्ना मनपूर्वक नमस्कार गणु। एल्ला सहोदरा सहोदरियरिगे नन्ना हृदयपूर्वक नमस्कार गणु। मैं देवी चामुंडेश्वरी को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। जय तंग देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हरिणी, जय सर्वगत्य देवी कालरात्रि नमस्तुते। मैं देवी चामुंडेश्वरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव मिलता रहे। दशहरा के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। कर्नाटका का नाड हब्बा यानी स्टेट फेस्टिवल मैसूरु दशहरा के श्री गणेश के पवित्र अवसर पर मैं कर्नाटका के सभी निवासियों को और मैसूरु के सभी भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। मुझे इस वर्ष के ये मुख्य दशहरा उत्सव का उद्घाटन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व लोक परंपरा में देवी चामुंडेश्वरी परम पूज्या मानी जाती है। एक लोक परंपरा के अनुसार महाशक्ति ने महिषासुर का इसी क्षेत्र में बोध किया था। आदिशक्ति का ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है और जन जन के हृदय में विद्यमान भी है। इसका प्रमाण देश विदेश से बसे असंख्य लोगों है जो दूर दूर से देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। देवियों और स्वजनों, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने तथा सामान्य जनता ने भी सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़ रखे हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और लोककथाओं के देवी और मानवीय चरित्रों पर आधारित पर्व पूरे देश में मनाया जाते हैं। इस पर्व में विविधता के साथ साथ एक रूपता भी दिखाई देती है। मैसूरु दशहरा भारतीय संस्कृति के गौरव का पर्व भी है। कर्नाटका में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के आदर्श स्थापित होते रहते हैं। यहाँ जैन तथा बौद्ध परंपरा से जुड़े अनेक प्राचीन स्थल विद्यमान भी है। आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना इसी राज्य के इलाके में की थी। गोलबुर्गा सूफी सिलसिले का प्रमुख केंद्र यहाँ रहा है। कर्नाटका में 12th सेंचुरी में बसपन्ना, ओल्लम प्रभु और ओक्का महादेवी ने भक्ति और समता का आदर्श प्रस्तुत किया। सभी जातियों और वर्गों को एक साथ लाकर बसवन्ना ने अनुभव मंडपा की स्थापना की और लोकतांत्रिक पद्धति का को अपनाया है। अनुभव मंडपा ने आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है। उन संतों ने महान भक्त काव्यों की रचना की जिन्हें वचन कहा जाता है। आज से लगभग 900 वर्ष पहले की उस काव्यधारा में 35 महिला संतों ने योगदान दिया था। आज भी
भक्तिभाव के साथ वचन को माने और सुनने की परंपरा कर्नाटका के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। इस प्रकार कर्नाटका से भक्ति, समानता, लोकतंत्र तथा महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। आदिभक्ति द्वारा महिषासुर, मधुकौटव, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों को परास्त करने की कथाओं में भी महिला शक्ति का दर्शन होता है। पालन पोषण करने के लिए महिलाएं त्याग, ममता और दया का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, लेकिन अन्याय, अधर्म और अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए वे दुर्गा, चंडिका और चामुंडा का अवतार भी लेते रहते हैं। महिला के शक्ति स्वरूप का सम्मान करने की यही भावना आज से आरंभ हो रहे नवरात्र से जुड़े नवदुर्गा की उपासना में व्यक्त होती है। महिलाओं में निहित अदम्य शक्ति का सम्मान करना ही विजय दशमी का साथ संपन्न होना होता रहे है दशहरा पूर्व की मूल भावना भी है। कर्नाटका ने ही रानी अबोक्का और कित्तूर की रानी चिन्नामा जैसी वीरांगनाओं ने नेतृत्व में विदेशी शासकों की विरुद्ध संग्राम के आरंभिक उदाहरण प्रस्तुत किया था। वीर बनीता उन्नो के ओबोवा की गाथा कर्नाटक के जन मानस को आज भी प्रेरित करती है। महिला सशक्तिकरण की विकास यात्रा आज के भारत में हमारी बहनों और बेटियों की बहुआयामी प्रगति में दिखाई दे रही है, लेकिन इस प्रगति को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, ये सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि मैसूर दशहरा की ये परंपरा आज भी पूरी जीवंतता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी ने मुझे इस परंपरा के साथ जुड़ने का आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हाल ही में राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों को अधिक बारिश और जलभार भराव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार के प्रयासों से इस कठिनाई से मुक्ति के प्रभावी उपाय कार्यान्वित हुई है। मुझे विश्वास है कि ऐसी कठिनाइयों से जुड़े और भी सुविचरित उपाय किए जाते रहेंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटका निवासी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 53% यानी आधे से भी अधिक भाग कर्नाटका ने आकर्षित किया। ये कर्नाटका की विश्वव्यापी ख्याति का प्रमाण है। बेंगलुरु को भारत का टॉप स्टार्टअप हब माना जाता है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका देश में प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक शिक्षा में कर्नाटका ने 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कर्नाटका ने 100% कनेक्टिविटी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस तरह की अनेक उपलब्धियों से देश को समृद्ध बनाने तथा भारत का गौरव बढ़ाने के लिए मैं कर्नाटका की राज्य सरकार और सभी निवासियों को बधाई देती हूँ। साथ ही कर्नाटका ने के निरंतर विकास के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हैं। इसी के साथ ये दशहरा का बहुत बहुत बधाई देकर आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका।